झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों की चिर लंबित मांग वेतनमान समेत अन्य मुद्दों को लेकर सामुदायिक सहायक अध्यापक प्रशिक्षित संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम देवघर में 15 अप्रैल यानी कल आयोजित की गई है। इसको लेकर विनोद बिहारी महतो ने देवघर के सभी पारा शिक्षकों से आह्वान करते हुए कहा कि पारा शिक्षक अपनी एकजुटता का परिचय दे, हर हाल में चिर लंबित मांग वेतनमान की प्राप्ति होगी। विनोद बिहारी महतो ने कड़े शब्दों में कहा कि अब पारा शिक्षकों के नाम पर पॉलिटिक्स और दुकानदारी नहीं चलेगी। 2024 के बाद सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों को लेकर कोई राजनीति नहीं चलेगी, सभी मुद्दों को खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए हमें एकजुटता का परिचय देना होगा। आपको बता दें कि देवघर के कुंडा रोड स्थित देवघर गेस्ट हाउस में पारा शिक्षकों का महाजुटान होना है। कुछ दिनों पूर्व ही हम धनबाद में एक सभा किए थे, जिसमें हमने आह्वान किया है कि हम वेतनमान की प्राप्ति करेंगे और उसके तहत एक रणनीति के तहत हम झारखंड के तमाम जिले में दौरा करना चाहते हैं और इसी के तहत हम देवघर भी पहुंच गए हैं। और कल जो कार्यक्रम है, यानी सरकार के साथ हमारी जो भी वादा है, मेरा विश्वास है और आप सबों से मेरा आग्रह होगा, सहायक अध्यापक चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, हमारे पास किसी तरह का भेदभाव आपके प्रति नहीं है और हम चाहते हैं कि सरकार के रहते ही, यानी 6 महीना आप समझ लीजिए, 6 महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ईपीएफ हो, जो आश्रित को जो नौकरी देने का मामला हो उसे शिथिल करना है, और जो हमारी संख्या है झारखंड में, नॉन टेट हो, टेट हो, सीटेट को मान्यता देना हो और एनसी हो, उन्हें भी दर्जा नहीं मिला है। और हमें नहीं लगता है कि झारखंड में हमें आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि ये माटी की सरकार, दुर्भाग्यवश हमारे माननीय मंत्री जी नहीं रहे और हमसे बात हुई थी होली के दिन ही, चेन्नई से लौटकर जो आश्रित का शिथिल करने का मामला था, ईपीएफ का था और वेतनमान का, तो उन्होंने कहा था कि विनोद धीरे धीरे हम सब कुछ कर देंगे, विसंगति को भी उन्होंने सलटा दिया। और जहां तक वेतनमान की बात थी, उन्होंने कहा था कि चुनाव के पूर्व कुछ ही दिन में हम कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो नहीं रहे। लेकिन हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं, उनका जो भी उत्तराधिकारी बनेगा, हो सकता है उस घर से ही बने, और इस सरकार में हमारी आपके बदौलत जो पकड़ है उसका फायदा आपको देंगे। और जो हमारा जो मांग आज तक छोटे छोटे, हमें नहीं लगता है कि हमें बहुत कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये तो जोर कहेंगे कि सरकार में हमें एक नियमावली के तहत सुरक्षित करने वाला काम किया, और हमारा प्रयास होगा यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो कोई ऐसा मुद्दा बचेगा नहीं, और 6 महीना 7 महीना के अंदर हम आपको वेतनमान प्राप्ति की ओर ले जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। कल 15 अप्रैल को आपके ये धार्मिक पावन धरती बाबा बैजनाथ भोले बाबा की नगरी में हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि हमारा जो मांग है वेतनमान का, वो 24 के पहले ही समाप्त हो जाए, सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के नाम पर किसी तरह का नेतागिरी, जो लोग दुकान भी चला रहे हैं वो दुकान हम चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। और देखिए, हमारा जो वर्तमान में स्थिति है झारखंड में, बहुत से गुटों में बटे हुए हैं, और हमने इस चीज़ को धनबाद में ही कहा है कि सभी गुटों को हम एक मंच पर लाएंगे, और इसके तहत हम रांची में एक बैठक बुलाने जा रहे हैं जिसमें सभी लोग रहेंगे और एक मंच पर आएंगे, और 2024 के बाद सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के नाम में कोई राजनीति नहीं होगा, सारा मुद्दा ही को हम खत्म करने जा रहे हैं, सिर्फ एकजुटता का परिचय देने की जरूरत है।